प्यारे बच्चों, संसाधन का अभाव है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ाया जा सके और आप लोगों का समय जो है सही तरीके से उसका सदुपयोग हो सके। तो बिना वक्त गंवाए अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है अकार्बनिक रसायन, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लेसन शुरू कर रहे हैं, जिस लेसन का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, यानी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो लेसन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तीसरा लेसन उसको मैं शुरू कर रहा हूँ और कोशिश किया जाए कि आपके कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर सकूं। तो जैसा कि आप जानते हैं और आप देख भी सकते हैं यहाँ कि एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नमूना यहाँ पेश किया गया है, और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप जानते भी हैं कि वर्ग जो हैं 18 होते हैं। तो इसमें भी दिखाया गया है कि यहाँ वर्ग जो है 18 वर्ग है, यानी एक से लेकर के इधर 18 तक वर्ग हैं, और इन वर्गों में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्सों को अलग अलग ब्लॉकों में बांट दिया गया है। जैसे कि ये पहला और दूसरा जो वर्ग है, इस पहले और दूसरे वर्ग में जो भी एलिमेंट्स उपस्थित रहेंगे उस एलिमेंट्स को एस ब्लॉक कहा जाएगा। ये आप समझ गए होंगे कि ये पहला और दूसरा वर्ग में, पहले और दूसरे वर्ग में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। और इसके बाद जो है क्रमवार अगर देखी जाए तो तुरंत यहाँ तीसरा वर्ग आ रहा है, तो वर्ग नंबर 3 से लेकर के, और यहाँ वर्ग नंबर 12 है, तो 3 से लेकर के 12 तक के वर्ग में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन एलिमेंट्सों को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाएगा। और फिर इधर जो है ये वर्ग नंबर हो गया 13, तो वर्ग नंबर 13 से लेकर के 18 तक के जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग पी ब्लॉक कहेंगे। तो पीछे जो आप लोग दो लेसन जो पढ़े हैं ऑफलाइन कोचिंग में, उसमें आपको ये पढ़ा दिया गया है, यानी कि आप तो ये फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। और ये जो एफ डी और एफ ब्लॉक जो पढ़ाया जा रहा है उसके पहले लेसन में ये पढ़ाया गया था, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाया गया था, तो इसको आप लोग भली भांति पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों आप डिफिनीशन बना सकते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं उसको आप डिफाइंड कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से सुने तो नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 3 से लेकर के वर्ग संख्या 12 तक के वर्गों में जितने भी एलिमेंट्स उपस्थित रहेंगे वे सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे, डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। बच्चों यदि आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल होगा तो आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो वर्ग होते हैं एस और पी ब्लॉक के, उन दोनों के बीच जो डी ब्लॉक नामक डी ब्लॉक होता है, उस डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एस और पी दोनों के जैसे नहीं दिखाए गए होते हैं, ऐसे दिखाए गए होते हैं। यानी कि डी ब्लॉक नामक एलिमेंट्स को जो है 3 भागों में बांटा गया है। जैसे ये ऐसे जो है क्षैतिज खंधे जो हैं इसको आवर्त हम लोग कहते हैं, ये हो गया आवर्त। तो इस आवर्त में, यानी कि ये जो पहला आवर्त हो गया यहां से लेकर यहां तक, और ये दूसरा आवर्त हो गया यहां से यहां तक, और फिर ये तीसरा आवर्त हो गया यहां से यहां तक, तो इसमें पहला जो आवर्त है उसको हम लोग कहते हैं 3D, 3D कहते हैं, यानी 3D एलिमेंट्स, या इसको हम लोग कह सकते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो ये रहा, यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों को 3 भागों में बांट दिया गया है।
पहले को हम लोग कहते हैं थिरिडी या प्रथम संक्रमण श्रेणी, दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं फोर डी या फिर हम कह सकते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी, और फिर यहाँ जो तीसरा है यानी कि तीसरा जो क्षैतिज आवर्त है उसको हम लोग कहते हैं 5D यानी कि तृतीय संक्रमण श्रेणी। आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पे दिखाया भी गया है कि ये जो 3D या प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो एलिमेंट्स हैं वो शुरू हो रहे हैं SC से शुरू हो रहे हैं, यानी एस्केंडियम से शुरू हो रहे हैं, और एस्केंडियम से शुरू होकर के जो है ये समाप्त हो रहा है ZN पर यानी जिंक या जस्ता पर समाप्त हो रहा है। तो अगर इसको जो है आप डिफाइंड करना चाहते हैं, इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 3D डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वैसा समूह है जो SC से शुरू होकर के ZN पर समाप्त होता है। पुनः आप दूसरे ऐसे जो आवर्त हैं उसमें देख सकते हैं कि 4D है, तो 4D नामक डी ब्लॉक का जो ग्रुप है ये शुरू हो रहा है Y से शुरू हो रहा है, यानी एट्रियम से शुरू हो रहा है और CD पर जाकर के समाप्त हो रहा है यानी कैडमियम पर जाकर के समाप्त हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि वैसा संक्रमण श्रेणी जो Y से शुरू हो और CD पर जाकर समाप्त हो वैसे संक्रमण श्रेणी को हम लोग 3D कहते हैं या द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। पुनः आप कह सकते हैं 5D है यहाँ, तो 5D शुरू हो रहा है LA से, तो आप कह सकते हैं कि वैसा संक्रमण श्रेणी जो LA से शुरू होकर के HG यानी कि मरकरी पर समाप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको 5D कहते हैं। और इस प्रकार से ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इसका सामान्य परिचय जो है समाप्त हुआ। इसके तुरंत बाद हम लोग जो है इसका ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो अभी नेक्स्ट आप लोगों को थोड़ी देर बाद मैं बता रहा हूँ।